नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्यासन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। दोस्तों, ब्रह्मचर्यासन एक ऐसा आसन है जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं। फिर आपके खाने के बाद आप सोने से पहले प्रैक्टिस करोगे तो विशेष रूप से यह लाभकारी है और ब्रह्मचर्य पालन करने में यह सहायता देता है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से मन में एकाग्रता बढ़ती है, घुटनों का दर्द दूर होता है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मचर्यासन को कैसे किया जाता है। ब्रह्मचर्यासन को करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर, जितना आप फैला सकते हैं पूरा फैला लीजिए। पूरा फैलाकर आप नीचे बैठ जाइए। आपके हिप्स जमीन को छूने चाहिए। आगे से घुटने मिले हुए हों, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे रख लीजिए। इस आसन के नियमित अभ्यास करने से ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायता मिलती है, इसलिए इस आसन का नाम ब्रह्मचर्यासन है। मस्तिष्क से बुरे विचार बाहर निकलते हैं, स्वप्न दोष से मुक्ति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है। 5-10 मिनट इसी अवस्था में बैठे रहिए, धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। एक बार और कर लें। ब्रह्मचर्यासन को वज्रासन में सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर इसके बाद आपने अपने पैरों को फैला लेना है और हिप्स को जमीन पे रख लेना है। घुटने आगे से मिले हुए हों, नियमित अभ्यास करने से ब्रह्मचर्य पालन में खूब सहायता मिलती है, अर्थात इसके अभ्यास से अखंड ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ब्रह्मचर्यासन एक बहुत ही सरल और सहज आसन है, इसलिए आप इसे रोज खाने के बाद, रात के खाने के बाद 5-10 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।